Oh, welcome guys. Buddy, party package, package baad milenge, makki aa gayi aaja. Party package baad milenge. Aapko bhai chal diya. Okay, come. Guys, welcome to our house tour. बहुत अवेटेड वीडियो है, शुरू करते हैं। चलो एक्चुअली बाहर से शुरू करते हैं, आपको पहले थोड़ा बाहर का दिखाते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपना हाउस टूर। ये आप देख सकते हैं सिंगल स्टोरी सिंगल फैमिली घर है यहाँ पर, लिटिल एल्म करके एरिया है, हम डैलस के पास नॉर्थ डैलस में रहते हैं इस समय, और पिछले घर से हम लोग मूव कर गए हैं। आपको कम्युनिटी का टूर थोड़ा बाद में देंगे और शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो चलो चलें। ओके गाइस लेट्स गो, अंदर चलते हैं फिर। गाइस बर्डी आपको वेलकम करने आया है। बर्डी बर्डी वेलकम, आजा आगे जी। मैं ले आता हूं। वेलकम गाइस। तो गाइस ये है हमारा 4 बेडरूम घर, सिंगल स्टोरी है जैसे कि आपको बताया। पिछला वाला भी 4 बेडरूम था और पिछले वाले से तो बहुत अच्छा घर है गाइस। हम वी आर ग्लैड, हम बहुत खुश है कि हम वहां से मूव कर गए। वो वाला 2008 का बना था, ये 2019 का बना हुआ है, और ये अबाउट ये भी 1900 स्क्वायर फीट है और बहुत अच्छा नया बना हुआ है, तो इसलिए हमें अच्छा लगा। पिछले होपफुली पिछले घर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इसमें, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया इसके अंदर 4 रूम्स हैं। पहला रूम है ये वाला, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। ओके तो अब हम चलते हैं अंदर। गाइज इसके जो 4 कमरे हैं, चारों में कारपेट लगा हुआ है और थोड़ा सा कोजी फील होता है, ऑल्दो मुझे कारपेट इतना पसंद नहीं है, बट अच्छा है, नॉट बैड। तो ये तो गाइज अभी हमने ऑफिस बना रखा है मेरा, तो आप देख सकते हो मेरी ऑफिस की टेबल है, चेयर, और चेयर के नीचे के लिए एक मैंने एक, क्योंकि बिकॉज ये कारपेट है, कारपेट फट ना जाए इसकी चेयर से, तो एक कारपेट मैट ले लिया है। मीनवाइल मेरा पर्सनल लैपटॉप भी है, कुछ फ़ोटोज और लैपटॉप, उसका ऑफिस का यूट्यूब का बटन, प्रिंटर है, और यहाँ से अगर आप बाहर देखोगे तो वही बाहर वाला एरिया जहाँ हम बाहर खड़े थे इस समय। गाइस अपॉलोजी मांगूंगा आपसे थोड़ी सी, क्योंकि अभी ना बिल्कुल सेट नहीं है, ये देख रहे हैं आप सामान, ये देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आप जानते हैं हम लोग इंडिया रहे गाइस, तो ये इंडिया आने की तैयारी चल रही है, तो बहुत ही हैक्टिक रहा था हमारा मूव, तो बहुत ही हैक्टिक रहा था हमारा मूव गाइस, क्योंकि हम मूव अभी इस समय इस घर में हमें 1 हफ्ता हुआ है रहते हुए, और सब कुछ हम अनपैक नहीं कर पाए हैं। आपको पता है मूविंग कितनी बड़ी डील होती है, राइट? तो एकदम से अनपैक करना उसको, प्लस फिर इंडिया आने की भी तैयारी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर मैं सारा सेट करके घर आपको दिखाऊँ ना, तो महीना लग जाएगा। तब तक हम इंडिया में होंगे, तब तक आप लोग आप यू नो इतना वेट कैसे कर पाएंगे सब लोग। तो मैं सोचा पहले दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा अभी ना फैला हुआ है घर, बट फिर भी मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। चलो मूविंग ऑन, इस वाले कमरे से चलते हैं बाहर। बाहर मिलेगा आपको बड़ी, क्योंकि बड़ी तो सब जगह है ना। बड़ी बड़ी पूंछ लगा के दिखाओ, गुड बॉय ऐसे। ओके यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 दरवाजे। ये है सेकंड रूम, मैं आपको दिखाता हूँ अभी खोल के। ये है एक क्लॉसेट जो कि खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है, और एक है यहाँ पे एक बाथरूम। तो चलो पहले बाथरूम देखते हैं। ये है गेस्ट बाथरूम गाइस। तो ये है 4 बेड एंड 2 बाथ का घर है, सिंगल स्टोरी जैसे कि आपको मैंने बताया। गाइस सारा क्रेडिट शिल्पा को देना चाहूँगा, 1 हफ्ते से हम लोग अनपैक के साथ साथ घर भी सेट कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत से यू नो सेटिंग कर रही है शिल्पा ने। तो आप देख सकते हैं ये वाला गेस्ट बाथरूम सेट है, तो व्हेनेवर यू नो आप लोग आएंगे हमसे मिलने, तो गेस्ट बाथरूम आपके लिए रेडी है। हाँ तो वो क्यों कर रहे हैं, गुड बॉय। ओके गाइस अब आपको सेकंड रूम भी दिखा देता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है इसमें, पर अगर हम रेडी होने की वेट करेंगे तो महीना लग जाएगा। इसमें हैं सारे खाली डब्बे जो हम अनपैक करके हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी एक क्वीन बेड जो कि अभी खाली पड़ा है बेचारा, स्ट्रक्चर उसका मैट्रेस यहाँ रखी हुई है, बट यू नो यू गेट द आइडिया, राइट? तो ये है एक सेकंड रूम जिसमें बड़ी अभी घुसा हुआ है। बड़ी चलो आ जाओ वापस, लेट्स गो। तो ये अभी रूम सेट नहीं है, बट जब सेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये बेसिकली एक गेस्ट बेडरूम है एक, सब बढ़िया, लेट्स गो। ऑल राइट मूविंग ऑन। ये वही वाला एंट्रेंस जहाँ से हम आए हैं, बड़ी फिर से जा रहा है पैकेज ले रहे हैं। और इस तरफ आपको देखेगा बाकी का रूम, लिविंग रूम, बहुत लंबी एंट्रेंस है गाइस। मैं पीछे हो गया ना, आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, देखो कितनी लंबी एंट्रेंस है। लॉबी बोलते हैं शायद इसको, तो ये है लॉबी। चलो अब हम चलते हैं राइट साइड में, क्या है भाई राइट साइड में भी बड़े सारे दरवाजे दिख रहे हैं, 1 2
तीन चार, तो चलो देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं क्या है। ये है गाइस लॉन्ड्री। तो जो आपने लॉन्ड्री देखी थी प्रीवियस वीडियो में वो यहाँ पर सेट है। ये लॉन्ड्री रूम है हमारा, वॉशर ड्रायर, नए नए वॉशर ड्रायर सेट है, बड़ी यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे हमने डाइसन भी टांग दिया ऑलरेडी। गुड गुड गुड, ओके। नेक्स्ट दरवाज़ा किस चीज़ का है? नेक्स्ट दरवाज़ा है एक क्लोज़ेट का, जिसमें अभी टेम्परेरीली कुछ चीज़ें रखी हैं क्योंकि गाइस हम लोग अभी सेट नहीं कर पाए घर। चलो दिया तीसरा दरवाज़ा, इसमें है शिल्पा का ऑफिस। बाहर का व्यू आता है शिल्पा का, बहुत बढ़िया बढ़िया दीवारों का व्यू आता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को बाहर सड़क दिखती है, शिल्पा को दीवार दिखती है। और यहाँ पर एक ऐसी बेड भी रखा हुआ है, किसी ने सोना है तो सो जाए। और हमने अपना मंदिर भी बना रखा है यहाँ पे। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ये वाला दरवाज़ा क्या है। ये है गराज, बड़ी का फेवरेट रूम है ये वाला, क्योंकि यहाँ से होती है कार और कार में हम जाते हैं घूमने, है ना बड़ी। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ गराज का दरवाज़ा, तब लाइट हो जाएगी थोड़ी सी। ऑल राइट, बढ़िया। अभी नहीं जा रहे भाई, अभी नहीं जा रहे, पूछ मत ही ना अपनी। ओके अब थोड़ी सी लाइट हो गई है, ये देखो निकल गया, इसको बहाना चाहिए बाहर जाने का। तो मैं आपको फिर से दूसरी साइड से दिखाता हूँ गराज। ये है गराज, वही वाला बाहर वाला एरिया जहाँ से अभी हम बाहर खड़े थे दो मिनट पहले। ट्रेडमिल भी हमने यहीं डाल रखी है, और मेरे वो पुराने अप्लाइंसेज, आई मीन नॉट पुराने बट कैलिफोर्निया के अप्लाइंसेज भी हमने पैक्ड के पैड यहाँ रखे हुए हैं। चलो बढ़िया, बाकी का टूर दिखाएंगे ना, चल लेट्स गो लेट्स गो, चल चल चलो जा। ऑल राइट अब हम चलेंगे आगे का टूर, थोड़ा दिखाते हैं लॉबी से चलते हुए। अब हम पहुँचेंगे अपने लिविंग रूम में गाइस। कैसा लगा आपको गाइस लिविंग रूम? आई एम श्योर पिछले घर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने टीवी लगा दिया है, एक बार फिर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। वाइट वाइट थोड़ा सा काउंटर टॉप्स एंड यू नो वो है क्लोज़ेट के दरवाजे, थोड़ा अच्छा लगा बाहर से। इस समय अभी शाम के बजे हैं, घड़ी भी दिखा देते हैं एक्चुअली, शाम के बजे हैं 5:20। तो यहाँ से आ रही है धूप सामने से, अभी बैकयार्ड में चलेंगे गाइस। ऑलराइट, तो ये हमने मेरे बॉस का स्पीकर भी लगा रखा है यहाँ पे। फ्रिज गाइस, फ्रिज हमें मिला था लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है हमें, और शायद आपको मैंने बताया था इंडियन लैंडलॉर्ड है हमारा फिर से। तो ये फ्रिज लैंडलॉर्ड ने हमें दिया है, वो वॉशर ड्रायर मेरे थे बाय द वे। ऑलराइट मैं आपको दिखाता हूँ किचन का टूर कराता हूँ थोड़ा पास से। चलो अंदर देखते हैं क्या। ये है पैंट्री गाइस, इसके अंदर अभी गाइस फिर से अपोलोजाइज, अभी ऐसे ही रखा हुआ है सारा सामान, थोड़ा सा ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया हमें करने का, क्योंकि हाउस टूर पे तो बनाना था गाइस। और ये ऊपर के क्लोजेट्स, इनमें बर्तन वर्तन है। इस बार गैस गाइस, गैस मिली हमें या फिर हमने गैस ली है ये बोलना चाहूँगा मैं। इलेक्ट्रिक में बहुत मुश्किल थी और क्लीन अप करने में बहुत परेशानी होती थी, तो आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी कि हमने गैस लिया इस बारी। माइक्रोवेव लगा हुआ आया था। डाइनिंग टेबल पर पहुँचते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिंक। और सिंक का एरिया नीचे ऑफकोर्स वही ऐसे डिश वॉशर है यहाँ पर, एक यू नो स्टैंडर्ड चीज़ है। चलो अब हम आते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। ये हमारी वही वाली डाइनिंग टेबल, हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि हमें लगा कि यू नो इतने एरिया में बड़ी आ नहीं पाएगी, तो हमने इसको ज़्यादा नहीं खोला। और चेयर भी हमने लगा दिए सारी, बड़ी का बोल का हमने खाने पीने का यहाँ पे रख दिया है सामने। और ये डाइनिंग एरिया में वो वाला हमारा फेवरेट वाला टीवी आ गया है, और यहाँ से बाहर व्यू आता है हमारा बैकयार्ड का। बट एक बार फिर से आपको रूम पूरा रूम दिखा दूँ मैं। चलो अब मैं आपको पहले मास्टर बेडरूम दिखा दूँ, फिर हम चलते हैं बाहर। चलो गाइस यह है हमारा मास्टर बेडरूम, ये बड़ी पहुंच गया बड़ी, चल वेलकम कर सबका, बुला अंदर। चलो गाइस बड़ी को फॉलो करते हैं। बड़ी कहाँ ले जा रहा है हमें, कहाँ ले जा रहे हैं? बड़ी कह रहा है मुझे भी इंडिया जाना है, मुझे भी इंडिया जाना है।
चलो मैं आपको फिर मास्टर बेडरूम दिखा दूँ पूरा। तो हमारा किंग बेड, और ये भी है वो इस सामने बैकयार्ड का ही व्यू है। ड्रेसर, ये बड़ी का बेड है, अभी हमने टेम्प्रेरी रखा हुआ है, पर बड़ी हमारे साथ ही सोता है इसी रूम में। इसकी गाइस लाइट बड़ी अच्छी है। अरे आपको जादू ही पंखा दिखाता हूँ गाइस, देखो इसके अंदर लाइट है। पंखा कहाँ है, पंखा कहाँ है? लेट मी शो यू क्या क्या चीज़ है। बहुत जादुई चीज़ है गाइस, हमें भी नहीं पता था क्या है। रिमोट से मैंने ऑन किया फैन, ये देखो गाइस, ये कहाँ से आ गया पंखा, देखो भाई बहुत ही जादुई चीज़ थी ये। पता नहीं लगा एकदम से, मुझे तो लगा कि इस कमरे पर पंखा ही नहीं है, पर जब रिमोट से ऑन किया, अब देखो ऑफ़ करता हूँ, अब देखा अंदर अंदर भी चला जाएगा वापस। भाई साहब बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है गाइस। चलो ये तो अंदर, इसको आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये अंदर अंदर घुस जाता है वापस। चलो हम चलते हैं अब हम अपने बाथरूम में। चलो बैठी जा बाथरूम में, किसो सबको चलो लेट्स गो। बाथरूम में नहीं जाएगा, कहेगा नाइन ही हो जाती है मेरी गाइस। ये है डुअल सिंक, और ये भी वाइट है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, तो अच्छा लग रहा है। और ये हमारा नहाने का है, यहाँ पे बड़ी भी नहाई नहीं करता है, बड़ी नहाई नहीं करता है ना, हमें एक बार तो नहाई नहीं कर चुका है बड़ी यहाँ पे है, गुड बॉय। चलो अब हम आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। ये भी एक क्लॉजेट है, तो सामान वामान रखने के लिए। और ये है एक रेस्ट रूम जो कि अटैच्ड होता है मास्टर में। अब हम चलते हैं वॉक इन क्लॉजेट पे। ये गाइस अभी टेम्प्रेरी हमने टांगा हुआ है, बट भर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा मोस्टली शिल्पा का ही है, भर दिया पर हमने। ऑलराइट चपति बाहर चलते हैं, लेट्स गो बट चलो लेट्स गो बैक यार्ड, लेट्स गो लेट्स गो। ओके मैं जाने से पहले मैं सोचा आपको दिखा दूँ, देखो गाइस ये बंद हो चुका है, इसके ब्लेड्स अंदर चले गए, जादू ही चीज़ है यार, पता नहीं क्या ये। लेट्स गो भी लेट्स गो, बैकयार्ड चलेंगे हम तो, बैकयार्ड चलेंगे। अबे बैकयार्ड भाई उधर से नहीं जाते बैकयार्ड, चलो दिया जा लेट्स गो बैकयार्ड। चलो गाइस बड़ी की फेवरेट जगह पे लेके चलते हैं आपको, यहीं से डाइनिंग रूम से इसकी है एंट्री एग्जिट जो भी आप बोलेंगे इसको। चलो बड़ी लेट्स गो, चलो सबको दिखा बैकयार्ड कैसे। गाइस यहाँ पर कुछ लाइक ऑब्वियसली सीमेंटेड है फ्लोर, ऊपर कवर्ड है, तो अच्छा लगा हमें, पंखा भी है गर्मी में हेल्पफुल होगा। अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आप यहाँ पे बैकयार्ड वगैरह रख के ना, सॉरी बारबेक्यू रख के बारबेक्यू कर सकते हो। बट गाइस दैट्स द बैकयार्ड, फुल व्यू ऑफ द बैकयार्ड। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। बड़ी चल बड़ी, बहुत जाना है, ये एक हफ्ते में सीख चुका है कि सीमेंट के ऊपर से चलना होता है, क्योंकि बीच में पत्थर चुभते हैं पैर में, बहुत तेज़ होते हैं यार डॉग्स, कैसे कर लेते हैं। और गाइस बड़ी के बाजू वाले घर में, मतलब सामने वाले घर में एक डॉग है, तो ये दोनों एक दूसरे को झांक झांक के देखते रहते हैं बीच में से, क्यूटी कहीं का। चलो आपको मैं थोड़ा बैकयार्ड का व्यू दिखा देता हूँ पूरा, सामने से भी दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा धूप हो रही है ना, तो बड़ी भी बैठ गया है यहाँ पर, वरना शाम को तो हम यहीं से खेलते हैं। ऑलराइट ये है गाइस सामने की तरफ से, अच्छा बड़ा बैकयार्ड है, छोटा नहीं है, और बड़ी भाई से बैठे हुए धूप के अंदर। ये घर पीछे से दूसरी साइड से, आई मीन सारा बैकयार्ड। यहाँ पर ब्रिक है इस साइड पे, यहाँ पर फेंस की जो है ये ब्रिक है, तो पीछे सड़क है एक्चुअली, बट अच्छा साइज़ का बैकयार्ड है, बहुत अच्छा लगा गाइस हमें ये वाला घर, बहुत अच्छा लगा पहले वाले से, शांति एरिया है, बहुत ही शांत एरिया है, तो एयरप्लेन की भी कोई आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है, और घर भी नहीं है। और हाँ गाइस फेंस भी नहीं गिरेगा, मेटालिक पोल्स है भाई, लकड़ी के पोल नहीं है, और लकड़ी भी अच्छी है, आई मीन यू नो बिकॉज 3 साल पुराना घर है ना, पिछला वाला तो 14 साल पुराना था, उसके लिए लकड़ी गली पड़ी थी, इसकी लकड़ियाँ अच्छी हैं इसकी, क्योंकि नया घर है ना ऑलमोस्ट। चल बढ़िया जा। तो गाइस बताइए घर कैसा लगा हमारा, अगले एक साल के लिए तो यहीं पर ही हम लोग, और जब हमारा तब तक एक अपना जो घर लिया हुआ है हमने, वो भी कंस्ट्रक्शन में है, वो बन जाएगा उसकी आई थिंक, और विद इन 2-3 मंथ्स में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और यहाँ से बहुत पास है वो वाला, बहुत पास है यहाँ से, 10 मिनट का, 10-15 मिनट, तो ये भी अच्छा लगा।
गाइस घर तो मैं बहुत अच्छा लगा पिछले वाले से, ऑलमोस्ट सेम स्क्वायर फीट है, सेम बेडरूम 4 and 2 था, ये भी 4 and 2 है, 4 bedroom 2 बाथ, और नए नया घर है, अप्लाइंसेस नए हैं, अप्लाइंसेस इश्यूज कम आएंगे, अप्लाइंसेस नए हैं, सब दीवारें वगैरह नई हैं तो पंगा कम होगा, और लोकेशन थोड़ी बेटर है क्योंकि हम बस मैं मानता हूँ यहाँ पे पार्क का एक्सेस नहीं है कि यू नो बॉडी को एकदम से ऐसे रैबिट तो नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे रैबिट है बाय द वे, रैबिट दिखते हैं बट वही पार्क का पार्क नहीं है, लोग आते जाते दिखते थे, बट थोड़ी पीसफुल कम्युनिटी है तो मैं अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, अच्छा आपको कैसा लगा घर, गाइज कमेंट्स में बताएं हमें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।